देखिए क्वेश्चन में 27 में चलते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू एंड टू क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल विथ अ सेपरेशन डी। अ थर्ड चार्ज सी इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट पार्टिकल ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट ऑन द टेबल अंडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, है ना। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड। देखिए एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है। कोई चाहे Q2 बड़ा हो चाहे Q1 कोई बड़ा है, Q1 बड़ा है, ठीक है। N का वैल्यू Q1 बाई Q2 मान लेते हैं, एक नंबर मानते हैं जो कि इन दोनों का रेशियो है। N का वैल्यू Q1 बाई Q2 है, ठीक है, ओके। अब समझिएगा इसके बीच में जो डिस्टेंस डी है, ठीक है, Q1 से जो सेपरेशन होगा ये R1 होगा और Q2 से जो सेपरेशन होगा R2 होगा। यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज प्लेस किया जाता है, ठीक है, Q1 से R1 डिस्टेंस पे और Q2 से R2 डिस्टेंस पे कैपिटल Q चार्ज प्लेस किया जाता है। ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में रहता है, ये सिस्टम इस चार्ज के प्लेस करने के बाद पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब Q1 चार्ज को Q2 जो रिपेल कर रहा होगा, ये कैपिटल Q चार्ज इसको अट्रैक्ट करके उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो अब जो ये डिस्टेंस होता है, R1 का वैल्यू जो होगा, R1 का वैल्यू हो जाएगा √N इंटू डी बाई √N+1, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और R2 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा D बाई √N+1, ठीक है। और इस कैपिटल Q का वैल्यू इसका वैल्यू होता है −Q/√N+1² −Q1, जो बड़ा चार्ज है उससे कंपेयर कर सकते हैं आप, या इसको लिख सकते हैं −N×Q2/√N+1² कुछ ऐसा होता है। मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में भी बता रखा है कि ये कैसे आता है, ये आप जान लीजिए, कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब तुरंत दो लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। कहा जा रहा है कि एक क्यू चार्ज है और एक टू क्यू चार्ज है ना, इसके बीच का सेपरेशन डी है। थर्ड चार्ज कहीं पर इसको प्लेस किया जाता है और ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो 2Q जो है बड़ा चार्ज है, 2Q क्या है, बड़ा चार्ज है, ये एक तरीके से R1 है, ठीक है। तो 2Q से जो डिस्टेंस होगा R1 वो कैसे मिलेगा, R1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, √N, और N का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q/Q कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर। N का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, पुट कर दीजिए। तो R1 का जो वैल्यू आएगा √N/2D/√N+1 ये आ जाएगा। R2 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब R2 का वैल्यू क्यू से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा कितने के बराबर, क्यू से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा D/√N+1 के बराबर। यदि ऊपर नीचे √2-1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो √2-1 हो जाएगा, D×√2-1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो ये क्या होगा, a²-b² 2-1, तो 1 हो जाएगा ये, तो D×√N/2-1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें भी √2-1 से यदि मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो ये कितने के बराबर होगा, √2×√2-1×D, ये आ जाएगा R1 का वैल्यू। तो इस तरीके से आप R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तरीका है, ये प्रोसेस है, ठीक है, ओके। अब चार्ज का वैल्यू जैसे कैलकुलेट करना है तो चार्ज का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, क्यू के टर्म में निकाल लीजिए, तो क्यू के टर्म में ये क्या आएगा, −2Q, Q1 का वैल्यू कितना है, 2Q, −2Q/√N+1² √N/2+1² कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आप इसको यदि √2-1 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, आप यदि इसमें √2-1 से डिवाइड कीजिएगा तो जो आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा। देखिए तो Q में Q का वैल्यू क्या आ गया, −2Q/√N/2+1 का
होल स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, तो ये क्या आएगा माइनस टू रूट अंडर टू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू क्यू, और ये आ जाएगा क्या रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन का होल स्क्वायर, टू माइनस वन वन हो गया, ठीक है, तो ये आ गया क्या माइनस टू इसका स्क्वायर टू प्लस वन माइनस टू रूट टू इंटू आ गया क्या क्यू, तो ये कितने के बराबर आएगा माइनस सिक्स माइनस फोर रूट टू इंटू क्यू, ये आएगा चार्ज का वैल्यू, ये वो चार्ज है जो चार्ज दोनों चार्ज के बीच में प्लेस करने से सिस्टम का वैल्यू, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, वो दोनों चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। थैंक यू।